दोस्तों हाल ही में हो रही कैंस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के तमाम बड़ी सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं। भारत से भी आर माधवन, दीपिका पादुकोण तथा ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ और भी सेलिब्रिटी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। माना जाता है कि दोस्तों दुनिया की बहुत ही ऐसे कम सेलिब्रिटी होते हैं जिन्हें कैंस के रेड कारपेट पर चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों इस बार के कैंस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जब रेड गाउन लगाकर एक नेपाली एक्ट्रेस सुरक्षा पंत जब पहुंची तो सारे लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। मतलब कि जब रेड कारपेट पे रेड गाउन लगाकर वो नेपाली एक्ट्रेस सुरक्षा पंत जब आई तो सारे लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। खबर तो ये भी है कि कैंस के रेड कारपेट पे चलने का मौका किसी भी नेपाली एक्ट्रेस को अभी तक नहीं मिला था। सुरक्षा पंत पहली ऐसे नेपाली एक्ट्रेस हैं जो रेड कारपेट पे चली हैं, जो कि नेपाल और नेपालियों की गर्व की बात है। सुरक्षा पंत एक इटालियन मूवी में एक्टिंग किए हैं जिसका शूटिंग नेपाल के मनांग में भी हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से उस फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है कैंस फिल्म फेस्टिवल में और वहां पर पहुंची हुई है सुरक्षा पंत, जो कि नेपाल की पहली ऐसे एक्ट्रेस है जो कैंस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हुई है। दोस्तों विश्व की इतने बड़ी फिल्म फेस्टिवल में नेपाली एक्ट्रेस सुरक्षा पंत को देखकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।